नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टच राजस्थान में। दोस्तों आज फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, दाया और बाया हाथ कौन सा होता है इसके ऊपर। क्योंकि दोस्तों लास्ट वीडियो बनाया था बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे और उनको नहीं पता चला कि दाया कौन सा हाथ होता है और बाया कौन सा हाथ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके दिमाग में जो भी दाएं हाथ और बाएं हाथ में जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल भी क्लियर होने वाली है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा, ठीक है, जिसको थोड़ी बहुत बातें समझ में आती है, ठीक है, तो वो बच्चा भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाला है कि दाएं हाथ कौन सा होता है और बाएं हाथ कौन सा होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने दाएं और बाएं हाथ का पता लगाना है कि कौन सा मेरा दाया हाथ है, कौन सा बाया हाथ है, कौन सी दाई साइड या बाई साइड जो भी होता है वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने हाथ को कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है, जैसे हमारे इधर बोलते हैं मस्त है, ठीक है, ऐसे करके मस्त है। तो आपको कुछ इसी तरीके से करना है, लेकिन इतना ज़्यादा इन अंगुलियों के बीच में गैप नहीं, इस तरीके से पूरी अंगुलियों को बंद कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से जो गायत्री मंत्र में इस तरीके से किया जाता है ना वही, ठीक है, इस तरीके से। तो उस तरीके से अपने दोनों हाथों को कर लीजिए और अपने सामने ऐसे कर लीजिए, फोन को नीचे रख लीजिए एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस लाइव ही हो जाए तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी, ठीक है, इंग्लिश के कुछ, ठीक है, स्पेलिंग, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग नहीं, शब्द दिख रहे होंगे, वर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे देखिए बी बन रहा है, मैं एक बार ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, आगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इधर देखो बी बन रहा है ये, और इस तरीके से ये डी बन रहा है, ये छोटी वाली जो ए बी सी डी होती है उसका बन रहा है, ठीक है, इसमें बी बन रहा है, इसमें डी बन रहा है। अब बी से बाया, डी से दाया, ठीक है, सिंपल प्रोसेस तरीका है, ठीक है, ट्रिक है। अब ऐसे ऐसे कर लीजिए अपने हाथ को, ठीक है, एक बार फिर से कर लीजिए, ठीक है, ऐसे इस साइड में बी बन रहा है, ठीक है, मैं हाथ को यहाँ पे लगा भी दूंगा, शायद हो सकेगा तो पास में, इस तरीके से कीजिए, बी बन रहा है ये, ठीक है, ऐसे छोटी वाली बी, ऐसे तो वो बी बन रही है मतलब बाया, डी बन रही है मतलब दाया। तो दोस्तों सिंपल ट्रिक है, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा था कि छोटे से छोटे बच्चे को भी ये ट्रिक समझ में आने वाली है, तो आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप अगर नए हो तो टच राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, और मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।